अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। टुडे वी शैल स्टडी इंग्लिश ऑफ क्लास वन। लेट्स स्टार्ट ओवर 8th यूनिट। हसन्स डे, हसन का दिन। स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट है इसमें हम हसन की डे रूटीन के बारे में पढ़ेंगे कि वो उसकी पूरे दिन की रूटीन क्या है, कि वो सारा दिन में क्या क्या, सुबह से लेकर रात तक उसकी क्या रूटीन है, वो क्या क्या जो काम है वो सर अंजाम देता है। सबसे पहले तो वो सुबह उठता है और उठकर स्कूल के लिए तैयार होता है, नाश्ता करता है, फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, वापस आकर दोपहर का खाना खाता है, खाना खाने के बाद अपने स्कूल का काम करता है, स्कूल का काम करने के बाद अपने वालिद का इंतज़ार करता है। जब उसके वालिद मुलाजमत से आ जाते हैं तो अपनी वालद और वालदा के साथ बैठकर रात का खाना खाता है, और फिर जब रात हो जाती है तो फिर कुछ देर बाद 9 बजे, जब 9 बजते हैं तो वो फिर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और अल्लाह से उनकी नेमतों का शुक्र अदा करता है और सो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो इसमें हमारे पास बच्चा है हसन, हम उसकी दिन की जो भी रूटीन है हम उसके मुतालिक पढ़ेंगे। अब हम इसकी ट्रांसलेशन रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। टुडे इज मंडे, आज पीर है। इट इज़ सेवन ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, सुबह के 7 बज चुके हैं। हसन इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, हसन स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। ही हैज़ टोस्ट एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में उसके लिए ब्रेड और मिल्क है। ही से सलाम टू हिज मदर, वो अपनी वालदा को सलाम कहता है। इट इज़ 8 o'clock, 8 बज चुके हैं। हसन इज एट स्कूल, हसन स्कूल में है। ही इज़ सेइंग अस्सलामु अलैकुम टू हिज क्लासमेट्स, वो अपने हमजमात साथियों को सलाम कहता है। वो अपने हमजमात साथियों को अस्सलामु अलैकुम कहता है। हिज बेस्ट फ्रेंड रज़ा इज़ एब्सेंट टुडे, आज उसका बेहतरीन दोस्त रज़ा छुट्टी पर है। हसन इज़ सैड, हसन उदास है। येस्टरडे रज़ा वाज इल, कल रज़ा की तबीयत ख़राब थी। ऑल द टीचर्स वर वरीड अबाउट हिम, तमाम उस्तादा उसकी फिक्र में थे। रज़ा वाज इल, यस्टरडे रज़ा वाज इल, कल रज़ा बीमार था। ऑल द टीचर्स वर वरीड अबाउट हिम, तमाम उस्ताद उसकी फिक्र में थे। इट इज़ 1 o'clock, हसन इज़ बैक फ्रॉम स्कूल। ही इज़ सेइंग अस्सलामु अलैकुम टू हिज मदर, 1 बज चुका है। हसन स्कूल से वापस आ चुका है, वो अपनी वालदा को सलाम कह रहा है। इट इज़ 2 o'clock, 2 बज चुके हैं। हसन इज़ फीलिंग हंग्री, हसन को भूख लगी है। ही इज़ ईटिंग लंच, वो दोपहर का खाना खा रहा है। ही सेज़ अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ईटिंग, वो खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये रज़ा है और ये खाने की टेबल पर बैठा है, उसने अपना खाना फिनिश्ड कर लिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। It is 4 o'clock. Hasan is doing his homework. He is solving some maths problem. 4 बज चुके हैं। हसन अपना स्कूल का काम कर हसन अपना घर का काम कर रहा है। वो मैथ के हिसाब के मसाइल हल कर रहा है। It is 6 o'clock. 6 बज चुके हैं। हसन is waiting for his father. हसन अपने वालिद का इंतज़ार कर रहा है। His father came home late yesterday. उसके वालिद कल देर से घर आए थे। ही वॉज बिजी इन द ऑफिस, वो दफ्तर में मसरूफ थे। इट इज 8 o'clock, 8 बज चुके हैं। हसन्स फादर इज होम नाउ, हसन के वालिद अब घर हैं। हसन हेल्प्ड हिज मदर इन द किचन, हसन अपनी वालदा की बावर्ची खाना में मदद कर रहा है। ही इज़ नाउ ईटिंग डिनर विद हिज पेरेंट्स, अब वो अपने वालिदैन के साथ रात का खाना खा रहा है। यस्टरडे हसन्स ग्रैंड पेरेंट्स केम टू हिज हाउस, कल हसन के दादा दादी उनके घर आए थे।
दे वर वेरी हैप्पी टू सी हिम, वो उसे देखकर बहुत खुश हुए। हसन प्लेड लूडो विद हिज ग्रैंडफादर, हसन ने अपने दादा के साथ लूडो खेली। इट इज़ 9 o'clock, 9 बज चुके हैं। हसन इज सिटिंग ऑन हिज बेड एंड प्रेइंग फॉर हिज फ्रेंड रजा, हसन अपने बिस्तर पर बैठा अपने दोस्त रजा के लिए दुआ कर रहा है। ही इज़ थैंकिंग अल्लाह फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स, वो अल्लाह की तमाम नेमतों पर उनका शुक्र अदा कर रहा है। ही इज़ फीलिंग टायर्ड, वो थका हुआ है, एंड स्लीपी, और उसे नींद आ रही है। ही इज़ फीलिंग टायर्ड एंड स्लीपी, उसे थकावट और नींद आ रही है। He is feeling tired and sleepy. वो थका हुआ है और उसे नींद आ रही है। So students, ये थी हसन की डे की रूटीन के वो पूरा दिन में क्या क्या काम करता है और किस तरह से वो अपना पूरा दिन गुजारता है। तो students, I hope you enjoyed the lesson. Allah Hafiz. Dear students, please subscribe our channel. Press the bell icon. Like, share. And comment the video. Thank you very much.